As he gazed at the sun from a silver a shiver of horror passed over his Andrew, तो अब वो काफी डर गया है. वो देख रहा है कि भाई बच्चा तो भाई लाइफलेस पैदा हुआ है, और इतनी एक्सपेक्टेशंस थी कि मतलब जैसे जो मॉर्गन अपने घर के बाहर वॉक कर रहा था, उसकी दादी मतलब ये सोचते थे कि बच्चा कैसा होगा. दादी से भी उसकी बात हुई थी, जो मॉर्गन की मम्मी है, कि क्या क्या होगा, तो उसकी मम्मी भी बहुत एक्साइटेड थी. तो क्या कहते हैं, तो मतलब अब उसमें बहुत उसकी बहुत डर लगने लगा है कि भाई बच्चा तो लाइफलेस पैदा हुआ, मैं क्या जवाब दूंगा इन सबको कि भाई बच्चा कहाँ है. हिज फेस हीटेड विद हिज ओन एक्सर्शंस चिल्ड सडनली. ही हेजिटेटेड टॉर्न बिटवीन हिज डिजायर टू अटेम्प्ट टू रेसुसिटेट द चाइल्ड एंड हिज ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द मदर हु इज हरसेल्फ इन अ डेस्परेट स्टेट. अब भाई ऐसा है कि मदर जो है उस उन्हें पता चल गया है ये बात कि भाई बच्चा तो मैं कुछ मतलब कुछ दिक्कत है, शायद ये नहीं पता होगा कि लाइफलेस है, बट उन्हें पता है कि कुछ तो दिक्कत है. तो अब जो नहीं नहीं यहाँ पर मदर की बात कर रही है, जो जो एक्चुअल मदर है, मैं जो मांगी पत्नी. तो अब क्या है, जब बच्चा लाइफलेस निकला तो एक बात ये भी है कि जो मदर है उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, वो भी अभी मतलब बेहोश है, तो वो कॉन्शियस है, वो अनकॉन्शियस नहीं है. तो जो है जो अब उसके बाद डॉक्टर के दो रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक तो बच्चे को भी बचाना है और साथ में माँ को भी, माँ का तो बचाना ही है. तो द डिलेमा सो अर्जेंट दैट ही डोंट सॉल्व इट कॉन्शियसली. ब्लाइंडली इंस्टिंक्टिवली ही गेव द चाइल्ड टू द नर्स एंड टर्न्ड हिज अटेंशन टू सुजन मॉर्गन हु नाउ लाइक कोलैप्स्ड ऑलमोस्ट पल्सलेस एंड नॉट येट आउट ऑफ द ईथर अपॉन हर साइड. तो उसने कहा कि भाई बच्चे को नर्स को दिया, उसने सोचा कि भाई पहले माँ को बचा लेता हूँ, उसके बाद हम बच्चे को देखेंगे, पहले माँ ज्यादा जरूरी है. हिज हेस्ट वॉज डेस्परेट अ फ्रेंटिक रेस अगेंस्ट हर एबिंग स्ट्रेंथ. इट टुक हिम ओनली एन इंस्टेंट टू स्मैश अ ग्लास एम्प्यूल एंड इंजेक्ट द मेडिसिन. उसने फटाफट से एक इंजेक्शन उठाया और अपने जो जो मॉन्ग की पति थी उसको फटाफट से लगा दिया. देन ही फ्लंग डाउन दी हाइपोडर्मिक सिरिंज एंड वर्कड अनस्पेरिंगली टू रिस्टोर दी फ्लैसिड वुमेन. आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ फेवरिश एफर्ट हर हार्ट स्ट्रेंथन्ड. ही सॉ दैट ही माइट सेफली लीव हर. ही स्वंग अराउंड इन शर्ट स्लीव्स हिज हेयर स्टिकिंग टू हिज डैम्प ब्रो. तो बस ये बता रहे कि किस तरह से पसीना आ रहा था, उसके पूरे जो आईब्रोज थे उसमें पूरा पूरा स्टिक कर रहे थे बाल, क्योंकि इतना पसीना था, वो काफी टेंस्ड है और माँ को बचा रहा है और काम अपने पूरे प्रोग्रेस में है कि उसने बोला कि अब वो बचा के ही रहेगा. वॉज द चाइल्ड, द मिडवाइफ मेड अ फ्राइटन जेस्चर, शी हैड प्लेस्ड इट बीनीथ द बेड. तो क्या कहते हैं, अब कौन आया है यहाँ पर, अब वो पूछ रहे कि बच्चा कहाँ है. तो जो बच्चा था उन्होंने उसको बिस्तर के नीचे प्लेस कर दिया था. इन अ फ्लैश एंड्रू बैंड डाउन. अब उसने नीचे की झुक के उसको उठाएगा बच्चे को. फिशिंग अमंग्स दी सॉर्ट न्यूज़पेपर्स बिलो द बेड ही पुल्ड आउट द चाइल्ड, अ बॉय परफेक्टली फॉर्म्ड. द लिम्ब वार्म बॉडी वॉज वाइट एंड सॉफ्ट एज टैलो. द कॉर्ड हेस्टिली स्लैश ले लाइक अ ब्रोकन स्टेम. द स्किन वॉज ऑफ लवली टेक्सचर स्मूथ एंड टेंडर. द हेड लोल्ड ऑन द थिन नेक. The limb seemed boneless. तो भाई अब माँ को तो बचा लिया, अब उसका तो काम हो गया. हाँ, तो अब माँ को तो उन्होंने बचा लिया, बच्चे को बचाना जरूरी था. वो नीचे झुका है उसने न्यूज़पेपर्स की गड्डियों में से, मैं अब उस बच्चे को उठाया है. द लिम वॉर्म बॉडी वॉज व्हाइट एंड सॉफ्ट, मतलब बहुत मतलब बिल्कुल मतलब सफेद सा वो बच्चा का रंग है. लवली टेक्सचर है, स्मूथ नरम सी त्वचा है उसकी, और बहुत पतले पतले उसके हाथ और उसके जो लिम्स हैं, जो उसके पैर हाथ है, वो काफी पतले पतले से हैं. स्टिल नीलिंग एंड्रू स्टेयर्ड एट द ओनली द चाइल्ड विद अ हैगार्ड फ्राउन. द वाइटनेस मेंट ओनली वन थिंग, एस्फाइक्सिया प्लाडा एंड हिज माइंड. अब क्या है, उसने क्योंकि देखा था कि वो बच्चा बिल्कुल व्हाइट रंग का हो रहा है, गोरा मतलब एकदम कहते हैं सफेद सफेद सा हो रहा है, तो वो समझ गया कि ये एक बीमारी होगी, एस्फिक्सिया उसको हो गया है. तो रेस बैक टू अ केस ही वंस हैड सीन इन द समैरिटन टू द ट्रीटमेंट दैट हैड बीन वंस यूज्ड. इंस्टेंटली ही वाज ऑन हिज फीट. तब उसे याद है एक प्रीवियस केस का, जब एक ऐसी बच्चे को क्या कहते हैं वो हो गया होगा एस्फेक्सिया. एस्फेक्सिया बेसिकली बीमारी होती है जहाँ पर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है और एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड. तो वो उसे याद आया कि भाई केस को हमें इस तरह सॉल्व करना है, तो फटाफट उसकी तैयारी करते हैं कैसे बच्चे को ठीक करेंगे. गेट मी द हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर ही थ्रू आउट टू द नर्स एंड बेसिन्स टू. बट डॉक्टर शी फॉल्टर्ड हर आईज ऑन द पैलेट बॉडी ऑफ द चाइल्ड. तो मतलब इसका मतलब यहाँ ये यह दिख रहा है कि जो डॉक्टर है वो पूरे जोश वोश में है कि भाई हम बच्चे को बचाएंगे, लेकिन जो नर्स है उसको कोई उम्मीद नहीं. वो कह रही कि नहीं कोई कोई फायदा ही नहीं, भाई लाइफलेस है, अब देखते हैं क्या होता है. क्विक ही शाउटेड स्नैचिंग अ ब्लैंकेट ही लेड द चाइल्ड अपॉन इट एंड बिगैन द स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन. द बेसिन अराइव द यूअर द बिग आयरन केटल फ्रेंटिकली स्प्लैश कोल्ड वाटर इन टू वन बेसिन एंड देन दी अदर. ही मिक्सड वाटर एज हॉट एज ही कुड बेयर एंड देन लाइक सम क्रेजी जगला ही टर्न हरीड द चाइल्ड बिटवीन द टू. नाउ प्लंजिंग इट इन टू द आईसी एंड नाउ इन टू द स्टीम बाथ. तो अब क्या कर रहा है, इसमें दो बेसिन है, उसमें एक में गर्म पानी मतलब दो बर्तन है, एक में उसमें गर्म पानी, एक में उसमें ठंडा पानी. अब वो क्या कर रहा है, बच्चे को उठा रहा है, ठंडा पानी में लाया था, ठंडा पानी में उसे डुबो देता है, फिर गर्म पानी में, फिर वापस ठंडे पानी में, फिर वापस गर्म पानी में. इस तरीके का वो प्रोसेस कुछ करना चाह रहा है.
15 minutes passed, 15 minutes हो गए. Stirp was now running into Andrew's eyes, blinding him. One of his sleeves hung down, dripping. His breath came pantingly, but no breath came from the legs of the child. तो भाई अब जो है उसके पसीने की हालत बुरी हो रही है. अब डॉक्टर बहुत थक चुका है, सुबह से रात हो गई है, पूरी रात मतलब अब खत्म होने वाली, काफी रात हो चुकी है और डॉक्टर अपनी ट्रीटमेंट लगा पड़ा है. अ डेस्परेट सेंस ऑफ डिफीट प्रेस्ड ऑन हिम, अ रैगिंग होपलेसनेस. अब उसे लग रहा है कि यार शायद मैं बच्चों को ना बचा पाऊं. ही फेल्ट द मिडवाइफ वॉचिंग हिम इन अ स्टार कंस्टर्नेशन व्हाइल दे प्रेस्ड बैक अगेंस्ट द वॉल वेयर शी हैड ऑल द टाइम रिमेन्ड हर हैंड प्रेस्ड टू हर थ्रोट अटरिंग नो साउंड. हर आईज बर्न अपॉन हिम वाज द ओल्ड वुमन ही रिमेंबर्ड हर लॉन्गिंग फॉर अ ग्रैंड चाइल्ड एज as a great had as now had been her daughter's longing for the child all dashed away now futile beyond remedy. तो बेसिकली क्या है कि अब उसे लग रहा है कि शायद मैं नहीं बचा पाऊंगा. वहां पीछे से जो मिडवाइफ है वो देखी जा रही है, मतलब जो वो औरत है वो देखी जा रही है पीछे से कि क्या क्या हो रहा है. तो अब जो है उसको और भी दुख हो रहा है कि भाई क्या क्या मैंने बात. द फ्लोर वाज नाउ डैंगल्ड मेस. Stumbling over a sopping towel, Andrew almost dropped the child, which was now wet and slippery in his hands like a strange white fish. For mercy's sake, doctor whimpered in midwife, whispered the midwife, it's a stillborn. तो अब जो नर्स है वो तब फिर भी बोले जा रही है कि भाई स्टिल बॉर्न है, डॉक्टर साहब आप क्या कर जा रहे हैं, क्यों बच्चे को क्या कर रहे हैं, मतलब अब मर चुका है भाई कुछ नहीं होगा. एंड्रू डिड नॉट हीड हर. बीटन डिस्पेयरिंग हैविंग लेबर्ड इन वेन फॉर हाफ एन आवर ही स्टिल परसिस्टेड इन वन लास्ट एफर्ट रबिंग द चाइल्ड विद अ रफ टॉवल. Crushing and releasing the little chest with both his hands, trying to get breath into the limp body. तो जैसे आपने देखा होगा कि भाई कोई तबियत खराब होती है तो लोग उसके चेस्ट को पंप कर देते हैं, तो ऐसे वो भी हल्के हाथ से करने की कोशिश कर रहा है कोई कुछ डॉक्टर साहब. एंड देन as by a miracle, the pygmy chest, मतलब छोटा सा chest, with his hands enclosed, give a short, conclusive heave, another. Andrew turned giddy. अब उसे बहुत दम से वो लग रहा है भाई बच्चा आ गया, बच्चा लाइफ लाइफ आ रही है वापस बच्चे में. द सेंस ऑफ लाइफ स्प्रिंगिंग बीनीथ हिज फिंगर्स आफ्टर ऑल दैट अनरेवलिंग शिवरिंग वाज सो एक्सक्विजिट इट ऑलमोस्ट मेड हिम फेंट. ही रिडबल्ड हिज एफर्ट्स फेवरिशली. द चाइल्ड वाज गैस्पिंग नाउ डीपर एंड डीपर. तो अब बहुत सांस लेने लग रहा है बच्चा, धक 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 धक. अब बबल ऑफ म्यूकस केम फ्रॉम वन टाइनी नॉस्ट्रिल जॉयफुल इन इरिडेसेंट बबल. द लिम्स वर नो लॉन्गर बोनलेस. अब ऐसा लग रहा है सिर्फ हड्डियां आने लगी हैं उसकी स्किन के नीचे. दी हैड नो लॉन्गर ले बैक स्पाइनलेसली. द ब्लैंच्ड स्किन वाज स्लोली टर्निंग पिंक. अब उसकी सफेदी कम हो रही है, उसकी जो स्किन का कलर है वो थोड़ा थोड़ा पिंक हो रहा है. देन एक्सक्विजिटली केम द चाइल्ड्स क्राई. अब जैसे बच्चे रोना चाहिए जब पैदा होता है तो वैसे वो रोने लगा है. डियर फादर इट्स हेवन. The nurse sobbed hysterically. It's come alive. तो वो भी खुश हो गए हैं. Andrew handled her in the child. He felt weak and dazed. About him, the room lay in a shuddering litter. Blankets, towels, basin, soil instruments, the hypodermic syringe impaled by its point in the litter. अब मतलब ये कह रहे हैं कि सारा सामान इधर उधर फैला हुआ है, पार्डल ऑफ वाटर भी है पूरा फैला हुआ है और डॉक्टर साहब बहुत थक चुका है. Upon the huddled bed, the mother still dreamed her way quietly through the anesthetic. तो क्योंकि उसने एनेस्थीसिया दिया था तब वो धीरे-धीरे वापस आने लगी अपने होश में. The old woman still stood against the wall, but her hands were together, her lips moved without sound, she was praying. तो जो दादी माँ है या जो मॉर्गन की मम्मी है वो बाहर खड़े प्रार्थना कर रही थी पूरे समय. मतलब mechanically Andrew wrung out his sleeve, pulled down his jacket. I'll fetch my bag later, nurse. तो उसे कह रहा है कि भाई अपना बैग मैं बाद में ले लूँगा, अब मैं चलता हूँ. He went downstairs through the kitchen into the scullery. His lips were dry. अब थक चुका है भाई पूरा, सूख गया उसका गला. At the scullery, he took a long drink of water. He reached for his hat and coat. तो पानी पिया और बाहर निकल पड़ा. Outside, he found Joe standing on the pavement with a tense, expectant face. क्योंकि जो वेट कर रहा था कि भाई उसकी पत्नी का मतलब उनका बच्चा अब कब आएगा, तो वो देख के एकदम से मतलब फिर क्या हुआ भाई क्या हुआ. ऑल राइट जो ही सेड थिकली. बोथ ऑल राइट कहता, कोई बात नहीं सब बढ़िया. इट वॉज क्वाइट लाइट नीली 5 o'clock. शाम हो रही थी. अ फ्यू माइनर्स वर ऑलरेडी इन द स्ट्रीट्स. द फर्स्ट ऑफ द नाइट शिफ्ट मूविंग आउट. एज एंड्रू वॉक्ड विद देम स्पेंट एंड स्लो हिज फुटफॉल्स एकोइंग विद द अदर्स अंडर द मॉर्निंग स्काई. ही केप्ट थिंकिंग ब्लाइंडली ओब्लिवियस टू द अदर वर्क ही हैड डन इन ब्लाइंडली. आई हैव डन समथिंग. ओ गॉड, आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट. तो अब यहाँ पर यह पता चल रहा है कि जो डॉक्टर साहब थे वो पहली बार ये कह रहे थे कि भाई पहली बार मेरे को जिंदगी में ऐसा लग रहा है जैसे आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट. क्योंकि अभी तक उनको अपने पर कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि भाई जो मैं कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं. बट इस इंसिडेंट के बाद मुझे पूरा फुल कॉन्फिडेंस है कि मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ. क्वेश्चन आंसर्स हम अगले वीडियो में करेंगे और बने रहिए प्लीज़ हमारे चैनल के साथ. सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियोज आते रहेंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना. ओके, थैंक यू गाइज, थैंक यू.